बहुत अच्छी नींद आई, अब मेरे को सारा काम करना पड़ेगा, सभी के भजन सुनने पड़ेंगे, सभी के कारनामे, सभी के प्रॉब्लम सुनने पड़ेंगे, फिर मेरे को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यार इतना काम, मैं थक जाती हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं बनी हूँ मिनी महारानी और आज मैं सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ, किनको क्या क्या प्रॉब्लम है माइनक्राफ्ट में। और ये महारानी आपको स्वागत करती है। जो भी नए होंगे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मिनी महारानी 100K की काफ़ी ज़्यादा करीबी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। पहले इंसान को बुलाया जाए। प्रणाम मिनी महारानी। हाँ हाँ प्रणाम, बोलो क्या काम है? महारानी, मेरे घर में कल एक चोर आया था और मेरे घर का एक कीमती सामान चोरी करके ले गया, जो कि मैंने 150 रुपये में खरीदा था। 150 रुपया देगा? जल्द से जल्द उस चोर को देखो और ढूंढो, उस चोर का पता लगाओ प्लीज महारानी, प्लीज। तुम कुछ बता सकते हो कि उसका हुलिया कैसा था? हाँ महारानी, उसने पीले वस्त्र पहने थे और उसका मुंह टेलीविजन जैसा था, पूरी रंगीन और देखने में काफी ज्यादा अजीब था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ओके ठीक है, अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है महारानी, शुक्रिया। दूसरे इंसान को पेश किया जाए। जल्दी आओ बालक, इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हो? जल्दी आओ, मेरे पास वक्त नहीं है। प्रणाम महारानी। हाँ प्रणाम, बोलो क्या खबर लाए हो? महारानी आज मेरे पास तो खबर नहीं है, परंतु आज मेरे पास एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? महारानी, मैं रात में सो जाता हूँ और दिन में जाग जाता हूँ, मेरे पास ऐसी समस्या, ऐसा क्यों होता है महारानी? दुष्ट, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक तो बोल रहा हूँ महारानी, मेरे साथ यही होता है, मैं दिन में जाग जाता हूँ और रात में सो जाता हूँ। बालक ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये सभी के साथ होते हैं, ये कैसी तुम समस्या लेकर आए हो? जाओ फौरन घर जाओ अपनी। महारानी परंतु ये ऐसा क्यों होता है, आप मेरे को बताओ। मूर्ख, ये चीज तुम अपने अध्यापक से जाकर पूछो, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। ठीक है महारानी, तो मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। तीसरे इंसान को बुलाया जाए। प्रणाम महारानी, मेरा नाम है लॉगी। अच्छा प्रणाम प्रणाम, परंतु ये कैसा नाम है लॉगी? आप ये कैसी बात कर रही हो महारानी, ये तो मेरा नाम है, क्यों आपको मेरा नाम पसंद नहीं आया? नहीं, वैसे भी तुम्हारा नाम से मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है, तो परंतु कृपया करके तुम अपनी समस्या मेरे को बताओ। ठीक है महारानी, मेरे टट्टी में टट्टी नहीं हो रही है, पूरी टंकी भर चुकी है। ठीक कहा है। ये कैसी समस्या लेकर आए हो मूर्ख बालक? हाँ महारानी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे संडास में पूरी टट्टी भर चुकी है, मैं टट्टी नहीं कर पा रहा हूँ। महारानी आप मेरे घर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी पूरी टंकी भर चुकी है, मेरे घर वाले भी टट्टी नहीं कर पा रहे और ना ही मैं ही कर पा रहा हूँ, इसके कुछ हल निकालो महारानी। इसका अरे मुझे चक्कर आने लग गया, इसका हल मैं कैसे निकालूं? मैं तो दुविधा में फंस चुकी हूँ, मेरे पास यहाँ पर अभी मेरे सिपाही नहीं है जो कि तुम्हारे साथ जा सके और तुम्हारी समस्या का हल निकाल सके। महारानी ऐसा ना करो, अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे घर वाले बीमार हो जाएंगे। ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारा घर किधर है मेरे को दिखाओ। ठीक है महारानी, आप मेरे पीछे आओ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी पूरी टंकी भर चुकी है महारानी। इतनी बारिश, मेरे को तो लग रहा है मैं 7 साल बाद इतनी बारिश में भींग रही हूँ, कहाँ है तुम्हारा टंकी, जल्दी दिखाओ मुझे। आ जाओ महारानी, इधर अंदर जाओ। चलो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, मेरा वक्त जाया नहीं करो, चलो अंदर। ये क्या है, तुम बाहर में टट्टी करके रखे हो, ये तुम तुम क्या करते हो पीले इंसान, तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर लॉगी? रुको इधर रुको, जो मैं तुम्हें अभी दी हूँ ये हॉपर को, जाओ अपने टंकी में लगाओ, वो तुम्हारा टंकी ठीक हो जाएगा। इधर आओ, वो हॉपर को लेके आओ, इसे चेंज करो। अच्छा ठीक है महारानी, देखो मैं चेंज कर दिया। इतनी गंदी बदबू, इतनी गंदी। वाह फाइनली महारानी जी मर गई, अब मैं इनका पूरा डाका डाल सकता हूँ इनके राजमहल में।
मैं फटाफट से करने के लिए TNT का इस्तेमाल करता हूँ, इससे पहले कि अगर महरानी उठ जाए और वो मेरे को रंगे हाथ पकड़ ले। फटाफट से इसे ब्लास्ट करके जितना भी डायमंड और मेरे को गोल्ड मिलता है सारा कलेक्ट कर लूंगा। पैसे ही पैसे होंगे और मजा काफी ज्यादा आ जाएगा। मजा आया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में शाउट आउट जाता है मंजरी सोनी को। बिग शाउट आउट टू मंजरी सोनी। एंड गाइस, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। फाइनली बहुत ज्यादा लूट कर चुका हूँ और फटाफट से मैं जाता हूँ शीप में और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जितना भी यहाँ पर लूट के लाया हूँ यहाँ से ले जा रहा हूँ, फटाफट से इसके अंदर कील छुपा देता हूँ। बट उससे पहले मैं ऊपर कैसे जाऊँ? तो फाइनली अब मैं ऊपर आ चुका हूँ और इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी डायमंड के ब्लॉक और यहाँ पर गोल्ड के ब्लॉक थे सारा इसमें छुपा देता हूँ। अगर उस महारानी को पता भी चलता है तो यहाँ तो तक तो वो आ भी नहीं सकती है क्योंकि वो तो बाहर घूमती ही नहीं जाता। तो बहुत ज्यादा मेरे को मजा आ रहा है। फटाफट से मैं रखता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि सीप को लेकर फटाफट से उड़न शुरू हो जाऊंगा। तो फाइनली अब सारा कुछ हो गया, फटाफट से उस सीप के ऊपर जाता हूँ और शिप को चलाता हूँ। 2000 years later. मरने के बाद मैं कहाँ पे स्पॉन हुई वो तो मेरे को नहीं पता, बट जैसे मैं उठी मैं गरीब थी, लिटरली मेरे पास कुछ भी नहीं थे। मेरे पास जितने भी सोने ज्वेलरीज जितने थे सारे चोरी हो गए थे और वो कौन के वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैं गई थी एक इंसान का हल निकालने के लिए, बट वहाँ पे क्या हुआ था टट्टी की बदबू से मैं बेहोश हो गई थी, अभी मर गई थी बिल्कुल नहीं पता। मैं जैसे जागी मैं डायरेक्ट बेड के ऊपर थी और जैसे इधर उधर देखी लिटरली मैं देखी कि मेरा वर्ल्ड पहले कैसा हुआ करता था डायमंड एंड गोल्ड का, बट पूरा कुछ हर चीज़ चेंज हो चुका था। सारे कुछ ओनली वुड के बने हुए थे। मैं सोची ये मेरे साथ क्या हुआ और जब मैं आस पड़ोस से पूछी तो सबने मेरे को बताया कि तुम गरीब हो गई हो। गाइस, मैं कहाँ रहा करती थी एक कैसल के अंदर महारानी हुआ करती थी, बट गाइस अब मैं गरीब हो चुकी हूँ। बट ये सारा कुछ मेरे साथ किसने किया है मैं लिटरली 2000 साल से पता लगा रही हूँ, बट मेरे को अभी तक पता नहीं चली है। गाइस, किसने किया होगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस मैं 100K की काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे आप देख सकते हो मैं अपनी लाइफ यहाँ पर कैसे व्यतीत कर रही हूँ। लिटरली मैं अपनी लाइफ जॉम्बीज के साथ व्यतीत कर रही हूँ और ये सारे मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं और मैं ऐसे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही हूँ और पूरी गरीब हो चुकी हूँ।